हेलो गाइस, मैं आपको सेवियर वेल्ट्रेक का ड्राइवर और उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो अगर आपको मैंने चोजिया के लिए इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, मैंने उसका वीडियो नहीं डाली, लेकिन मैंने उसके साथ अपने कार्डबोर्ड बेल्ट्स का बैटल डाले हैं। अगर आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो। वो आपको मेरे चैनल खोलोगे तो मेरी इसके बाद जो वीडियो होगी वो ही होगी। वो तो इसमें मैंने लेयर तो अभी पूरी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट ड्राइवर जो मेन चीज़ है वो पूरा बना लिया है। तो मैं आपको शॉर्ट ड्राइवर पहले दिखा देता हूँ। तो ये है अपना शॉर्ट ड्राइवर, देख सकते हो पूरा अच्छे से है। तो मैंने पूरा मतलब मैंने एक भी चीज़ कोई नई नहीं ली, सब कुछ मैंने वेस्ट से लिया है। तो मैं आपको अच्छा दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको ये पॉप्सिकल्स हैं, यानी कि आइसक्रीम स्टिक हैं अपनी। बाकी ये पूरी कार्डबोर्ड की एक थिक लेयर है, उसके ऊपर मैंने हॉट ग्लू लगा रखी है। ये एक्चुअली मेरी पुरानी डिस्क थी, तो उसकी मैंने चेसिस या डिस्क उसको मैंने निकाल दिया था अपने पुराने बेल्ट से, वो टूट गया था। सो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। बाकी अगर देखोगे यहाँ पर एक येलो कलर का पार्ट दिख रहा होगा, वो क्या है, वो अपना एक क्या बोलते हैं उसे, प्लास्टिक का कॉइन की शेप में था वो कुछ। वो आपको पुराने टॉयज से भी मिल सकता है, या फिर आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोई कार्डबोर्ड, कोई स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड। बाकी अगर देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर की चीज़ दिख रही है आपको सबसे ऊपर, ये एक मार्कर के पीछे की टिप है। और बाकी अगर ये देखोगे, ये जो पतली सी टिप है ये एक बॉल पेन की टिप है, क्योंकि उनकी टिप पतली होती है इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल करा। और अंदर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी, जैसे जहाँ पर पुराने टॉयज होते हैं ना, जिसमें सेल डलते हो वहाँ से मिल जाएगी। मैंने निकाले एक पुराने रिमोट से निकाली थी, जो कि टीवी का रिमोट होता है उसमें से निकाली थी, वहाँ पर सेल डलते हैं ना वो निकाली थी और उस पेन की रिफिल पे डाल दी थी। उसके बाद मैंने पूरा कार्डबोर्ड चढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, अब ये ऐसे लॉक हो गया और ये दो पीस लगा दी मैंने। इससे क्या होगा, वो सर्कल पूरा, ये जो अंदर कार्डबोर्ड सर्कल है ये बाहर नहीं आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा बाहर आएगा। और ये कार्डबोर्ड का हिस्सा जो है, ये जो लेयर्स मैंने लगाई हैं इसके ऊपर मैंने फेविक्विक डाल दिए ताकि ये इसको होल्ड कर सकें अच्छे से, पता चला यही फट के बाहर ना आ जाए ना उसके लिए। प्लस ये जो पेपर मैंने इसके बाद अपाउट मतलब पूरा पेपर जो मैंने इस पर राउंड किया है, उसमें क्या है, इससे क्या होगा ना, हमारा जो वो होगा ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि पेपर काफ़ी वीक होता है, फेविक्विक इतना नहीं होल्ड कर पाएगा, इसलिए मेरे को पता था। तो इसलिए मैंने पेपर के ऊपर फेविक्विक डाल दिया, अब ये पूरा स्टोन की तरह हो गया। और ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल स्प्रिंग का है ये, ऐसे मैंने इसके अंदर पुश करा, तो मैं पहले आपको फोकस है, ऐसे मैंने पुश करा, मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करूँगा और ऐसे थोड़ा नीचे ट्विस्ट करूँगा और ऐसे होल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें थोड़ा अभी यहाँ पर वर्क बाकी, ऐसे हो गया। तो मे बी टिप थोड़ी साइड में हो गई है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा चलेगा, क्योंकि वो पूरा हॉलो है तो अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखो अब ये बैलेंस, या फिर आप स्टेमिना मोड में कह सकते हो। तो मैं आपको इसे चला के दिखा दूंगा, पहले ये चला के दिखाता हूँ गाइस ये कैसे चलेगा। और हाँ, इसको थोड़ा अच्छा सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि नीचे से काफ़ी अजीब दिख रहा था, तो मैंने ये रिंग टाइप पीस काटा है कार्डबोर्ड का, ये इसके ऊपर लग जाएगा और थोड़ा इसे अच्छा लुक दे देगा। फिर मैं इसे अच्छे से पेपर से कवर करके कलर कर दूँगा और लेयर में पतली रखूँगा, मतलब इससे थोड़ी सी और मोटी कर दूँगा, क्योंकि ये इतना ऊंचा हो गया फिर जब लगता है ना, तो ये काफ़ी पहले ही बहुत ब्रॉड बन चुका है, तो उसके वजह से मेरे को लेयर थोड़ी पतली करनी पड़ेगी इस बार। और मैं आपको अभी स्टेमिना पे चला के दिखा देता हूँ। देखो अभी स्टेमिना सट गया, ये हमारा स्टेमिना पे आ गया, देख सकते हो अभी स्टेमिना पर आ गया। मैं इसको स्टेमिना पे चला के दिखाता हूँ, देख सकते हो अभी घूमेगा कम, मतलब इधर उधर कम जाएगा और इसमें स्टैमिना ज़्यादा होगा। अभी मैंने हाथ चलाया इसलिए थोड़ा वैसे चल रहा है, बाकी अगर इस आपसे बहुत हार्ड लॉन्च करोगे या फिर मतलब ये किसी अटैक टाइम पीरियड से बहुत ज़ोर से टकराएगा, तब इसके ये यहाँ इसको थोड़ी सी वाइब्रेशन मिलेंगी और ये जो इसका एरिया ये यहाँ से निकल जाएगा। देखो अभी एक बार हट गया क्योंकि, तो ये ऐसे निकल जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, तो इससे अभी इससे वाइब्रेशन मिलेगी, टकराएगा, ये ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे और टकराएगा, तो ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे, ये इससे निकल जाएगा और ये ऐसे ऊपर को खुल जाएगा। ऊपर को खुल गया तो देख सकते हो टिप ढक गई है, और वो टिप ढक गई है और ये ऊपर आ गया है, तो देखो थोड़ा बाउंसी अभी भी है,
वो वैसे ही शॉर्ट ड्राइवर वर्क करेगा, लेकिन ये एनीमे की तरह नहीं होगा कि दूसरे पेपर के ऊपर से जंप करके जा रहा है, क्योंकि वैसे तो थकाना डोमी भी नहीं बना पाए। उनका भी ऐसे हल्का सा हॉप होता है फिर घूमता है। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हॉप नहीं है क्योंकि स्प्रिंग काफ़ी वीक है, सिंगल स्प्रिंग है। अगर डुअल स्प्रिंग है तो आप लगा सकते हो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये जस्ट ऑप्शनल है करना। अब मैं आपको इस मोड में दिखाता हूँ, देखा कितना इधर उधर भागेगा और स्टेमिना कब रहेगा उसका। देख सकते हो पहली। हाँ आ गया आ गया आ गया, तो देख सकते हो थोड़ी और रिसर्चेस करने के बाद पता चला है कि एक ये पीस और बनाना है, और इसके जगह से ये सर्कलर एक और है ऐसा पीस और बनेगा, और उसमें ये जो चिप दिख रहा है आपको एक अलग सा पीस दिख रहा है, ये कटेगा, ये चीज़ कटेगी पूरी। और उससे क्या होगा, ये जो पीसेस थे पहले जो इस पर लगे हुए थे मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, तो ये मैंने निकाल दिए। हाँ मैंने निकाल दिए पीसेस, तो ये कुछ इस तरह इसके ऊपर आ जाएंगे और इसको और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिससे क्या होगा ये ऐसे अभी जैसे जितना मुड़ रहा है ना उतना और नहीं मुड़ेगा। तो अपना दिखाया था मैं आपको, पीछे दिखाया था, पीछे से पहले नहीं दिखा पाया था, ऐसे ऐसे जोड़ रखी मैंने। तो देखो ये ऐसे होगा, अभी मैंने चिपकाया नहीं, देखो ये ऐसे इसके ऊपर जो लेयर लगाई थी ये इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगी। अभी ये फेविकॉल चिपका हुआ है इसके ऊपर, बाद में मैं हल्की सी दो तीन बूंद डालूंगा वो फेविक्विक की, तो थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा। बाकी ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये हल्की सी पतली सी रिंग लग जाएगी तो थोड़ा गुड मतलब अच्छा लगेगा। फिर मैं इसे पेपर पैच लगा दूंगा, कवर कर दूंगा। तो गाइस रेडी हो गया अपना ये सब कुछ, लेकिन अभी कलर फिर रह गया, मैं कलर नहीं करा क्योंकि अभी इसको ही बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। जैसे आपने टाइम स्लैप्स में देखा था इसको, ये सब पेंट हो गए हैं, आप सब कुछ रेडी है। ये थोड़ा सूखना अभी बाकी है, देख सकते हो अभी सूख रहा है। इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग करेंगे फिर इसको पेस्ट करेंगे। और ये तो अपनी तो पूरी रेडी हो गई है, यहाँ पीछे से कलर भी आ गया क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था पोर्शन, तो इसलिए मैंने उसको कलर कर दिया। तो देखो लॉन्चर, ये मेरा मार्केट का लॉन्चर है, और देख सकते हो ये उठा लेगा इसको, देखो गाइस एक मिनट इसको। हाँ अब देखो ये ऐसे पूरा अट आ रहा है, इसमें कोई ऐसे फॉल नहीं हो रहा, गिर नहीं रहा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इसको इसके कनेक्ट कर दूंगा तब ये उठा पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है गाइस। मैंने इसको उठा कर देखा, इसमें बहुत ज़्यादा वेट है अभी भी, तो उसका प्रॉब्लम आएगा। बाकी ये अच्छा लग रहा है, एंड मैंने अंदर का येलो पोर्शन छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए छोड़ दिया। तो हो गया सब कुछ। आओ तो अपना रेडी हो गया है, मतलब अभी थोड़ा सा और सूखेगा, थोड़ा सूखने का वक्त चाहिए क्योंकि जैसे देख रहे हो यहाँ से उठा पड़ा है, वो सब डाउन हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ग्लू लगा दूंगा तो जिससे स्ट्रांग हो जाएगा। पोजिशन चेंज होगी, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे जाम कर लिया ताकि थोड़ा अच्छा लुक दे, मतलब इसको ऊपर की तरफ रख दिया है थोड़ा, जैसे असली में होता है, उनमें भी हल्का सा होता है, इसमें भी हल्का सा किया है। बाकी अगर मैं अपना ब्रेव वेल्ट्रेक का दिखाऊंगा, एक मिनट तुम्हें ब्रेव वेल्ट्रेक का दिखा देता हूँ ताकि तुम कंपेरिजन कर पाओ अच्छे से। देखो
मेरे पास ये ब्रेव वेल्ट्रिक है, इसमें भी उठा हुआ है लेकिन इसमें हल्का सा है। लेकिन तुम लोग लेयर में फ़र्क देख रहे हो, दोनों की लेयर में कितना फ़र्क आ रहा है भाई। मतलब मैंने जितने आज तक ब्रेवेट बनाए सबसे हल्की लेयर है ये, लिटरली सबसे हल्की लेयर है। तो थोड़ी और ग्लूगन लगाने के बाद बारी हो गई, मैंने पहले तो बहुत ही हल्की लेयर थी। तो अभी स्टैमिना पे है तो हाँ, स्टैमिना में तो काफ़ी ठीक है। मतलब इसने सेंटर ले लिया है, ऑल दो इट्स अ सेकंड टाइम बेबलेड बट वेरी गुड। तो हाँ अब थोड़ा देखो स्टेडियम के आसपास घूम रहा है, क्योंकि अब उसमें नहीं है। सो यस, आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो, और मेरा कैसा लगा मेरा वेबलेट्स आई मीन मेरा वेल्ट्रिएक, सो वेल्क्री, सेवियर वेल्क्री। सो यस, अच्छा था, मेरे को तो पसंद आया, और इसमें गिमिक भी है जो वर्क करता है। तो यस, अगर तुम्हें अच्छा लगा मेरी तरह तो तुम लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बोलना फ़र्ज़ बनता है हम सबका इन द सेंस यूट्यूबर्स का। लेकिन बाकी अगर जो तुम्हें मर्जी वो तुम करो, और कमेंट ज़रूर कर देना, उसमें कुछ नहीं जाता कि कैसा लगा। देखो मैं डिटेल्स का भी ध्यान रखा है, जैसे वॉल्ट के यहाँ पर है तो वैसे ही मैंने वो करा भी है। सो यस एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय। Thank you.